नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पटना में निकली तिरंगा यात्रा। लोजपा यूथ विंग के तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। पटना के जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया शहीदों को याद। आज पटना में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले विभिन्न चौक चौराहों से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि जहां तिरंगा यात्रा के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहां आज भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए शहीदों ने सदाहत दी है। राष्ट्र की मजबूती और तिरंगा की शान और भारत माता की सुरक्षा को लेकर सब लोगों को हमारा नमन। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम याद कर रहे हैं उन शहीदों को। राष्ट्र के समर्पण भावना से हम सबों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। वहीं रामकृपाल ने बिहार और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने का काम किया। रामकृपाल ने कहा कि देश हमारा मजबूत रहे, देश हमारा तरक्की के आगे बढ़ते रहे। आज स्थानीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी का युवा विंग पटना में तिरंगा यात्रा निकाला है। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। उसके पहले आज 25 तारीख को पटना के विभिन्न मार्गों पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, जो आज़ादी के वक्त में और आज़ादी के बाद और आज भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन शहीदों ने शहादत दी, राष्ट्र के मजबूती के लिए और तिरंगा के शान के लिए, भारत माता को सुरक्षा के लिए, सब लोगों को हमारा नमन है। और आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग याद कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने राष्ट्र की समर्पण भावना से हम सब लोगों को सुरक्षित करके अपने आप को त्याग और बलिदान। दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। देश आगे मजबूत रहे, एकता और अखंडता में मजबूती प्रदान करते रहे। देश हमारा तरक्की की तरफ जाए, देशवासी खुशहाल हों, यही कामना है देशवासियों को। और पुनः शहीदों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आगे की खबरों के लिए बने रहे एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।